गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन इंटरमीडिएट टॉपिक को स्टडी करेंगे। और इस क्लास का हमारा ये पहला सेशन है जिसमें हम इंसर्टिंग मूवी क्लिप टॉपिक को स्टडी करेंगे। इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वीडियो क्लिप्स को इंसर्ट कर सकते हैं और उनको रन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारा बाय प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने पावर पॉइंट में वीडियो क्लिप्स को इंसर्ट करेंगे और उनको प्ले करेंगे, और जो भी तरीके वीडियो क्लिप्स को इंसर्ट करने के हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन पहले से क्रिएट करके रखी हुई है, आपको भी एक प्रेजेंटेशन बना लेनी है जिसमें आपको वीडियो क्लिप को इंसर्ट करना है। मेरी इस प्रेजेंटेशन में केवल एक ही स्लाइड है, मैं यहाँ पर एक स्लाइड और इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पर न्यू स्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एम को भी प्रेस कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और हमारे सामने यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी जिसमें हमें इस तरह से एक प्लेस होल्डर मिलेगा जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको इन सभी ऑप्शंस में लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इंसर्टिंग मीडिया क्लिप पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इंसर्ट वीडियो का। यहाँ पर आपको उस प्लेस पर जाना है जहाँ पर आपने अपनी वीडियो को सेव करके रखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ लाइब्रेरी के अंदर और वीडियोज़ के अंदर, यहाँ पर कुछ ये वीडियो क्लिप्स हैं, हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी फाइल में इंसर्ट कर लेंगे। तो मैं पहले वाली इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ, देन हमारी वीडियो क्लिप यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। आप इसको यहाँ पर प्ले कर सकते हैं प्ले बटन पर क्लिक करके, तो इस तरह से प्ले हो जाएगी। आप चाहे तो इसको यहाँ पर क्लिक करके कट भी कर सकते हैं इस तरह से। ये तरीका था कि आप डायरेक्ट किस तरह से वीडियो क्लिप को इंसर्ट कर सकते हैं प्लेस होल्डर के थ्रू। इसके अलावा अगर आप प्लेस होल्डर के थ्रू वीडियो क्लिप को इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए आपके स्लाइड में प्लेस होल्डर नहीं है और आपको वीडियो क्लिप को इंसर्ट करना है, मैं ये प्लेस होल्डर डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर कोई प्लेस होल्डर नहीं है तो यहाँ पर हमें वीडियो क्लिप को इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ पर हमें मीडिया वाले सेक्शन में जाना है और वीडियो पर। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से तीन ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो फ्रॉम फाइल, वीडियो फ्रॉम वेबसाइट और क्लिप आर्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो पहले ओपन हुआ था जहाँ से हमने वीडियो क्लिप को इंसर्ट किया था। तो हम सेम कंडीशन यहाँ से यूज़ कर लेंगे, वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप अपनी वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी इस प्रेजेंटेशन में। इसके अलावा दूसरा तरीका जो है, यहाँ पर और भी ऑप्शन दे रखे हैं। कई बार हमें वीडियो को ऑनलाइन यूज करना होता है तो हमें उसके लिए करना क्या होता है, वीडियो फ्रॉम वेबसाइट पर क्लिक करना होता है और जो भी आपकी वीडियो का लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना होता है, चाहे वो यूट्यूब की वीडियो हो या और किसी अदर वेबसाइट पर वीडियो हो, उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इंसर्ट कर देंगे, देन वो वीडियो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तीसरा तरीका जो है वो है क्लिप आर्ट से। क्लिप आर्ट से मतलब क्लिप आर्ट, यहाँ पर क्लिप आर्ट होते हैं और यहाँ पर आप किसी वीडियो क्लिप को सर्च कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कुछ GIF फाइलें जो वीडियो टाइप की होती हैं, इन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएंगी इस तरह से। ये हमें तब शो होंगे जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन पर शो करेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ इनको। ये बहुत छोटी छोटी फाइल्स होती हैं और ये एक बार ही रन होती हैं, कंटिन्यू नहीं होती हैं। जैसे अब मैंने ये कर लिया है और मैं इसको फुल स्क्रीन पर शो करता हूँ F5 से, तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से रन हो रही है। तो इस तरह से हम इनको रन कर सकते हैं क्लिप आर्ट को। अगर कोई वीडियो क्लिप आपको सर्च करनी है वो यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर की रिगार्डिंग चाहिए, कंप्यूटर और लिखकर आपको गो पे क्लिक कर देना है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये वाली क्लिप है और उस पर क्लिक करेंगे आप, वो यहाँ पर आपकी इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में वीडियो क्लिप्स को इंसर्ट कर सकते हैं और उनको प्ले कर सकते हैं। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और वीडियो पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम कोई भी वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इस तरह से और इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये हम इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
और जब हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो प्ले हो जाती है। इसके अलावा आप चाहें तो इसको जो आपका प्रीव्यू होता है स्लाइड शो वहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले स्लाइड शो में चले जाते हैं F5 से, और यहाँ पर देखिए ये जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो जाएगी इस तरह से, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये पुश हो जाएगी। आप यहाँ से टाइमलाइन से इसको कट भी कर सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नए वाले वर्जन से उनमें इस तरह की फैसिलिटी है कि आप यहाँ पर वीडियो को क्लिप को कट कर सकते हैं, जो पुराने वर्जन थे उनमें ये फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ से वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है इस तरह से। तो इस प्रकार से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल में किसी भी वीडियो क्लिप को इंसर्ट कर सकते हैं।